सभी को जय यीशु। प्रभु की धन्यवाद हो कि फिर से आप लोगों से मैं मिल पाया हूँ और फिर से वचन को फैलाने के लिए आपके सामने में परमेश्वर खड़ा किए हैं। प्रभु की धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं और मैं ये विश्वास करता हूँ हर वचन परमेश्वर का वचन के द्वारा आप लोगों को ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है और आप लोग चल पाते हैं। आज के ज़माने में सबसे बड़ा संपर्क है विवाह संपर्क। विवाह हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा आशीषदायक संपर्क है, मगर इस विवाह के संपर्क को बहुत सारे जन दूसरे दूसरे मार्ग पर ले लेते हैं। बहुत सारे जन इस विवाह को एक वासना के करीब ले लेते हैं। बहुत सारे जन सोचते हैं नहीं, ये जो विवाह है ये सिर्फ एक नियम दिया गया है इसके लिए। नहीं प्रियजन, ईश्वर ने जब पुरातन समय से ईश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया है तब से ये विवाह का संपर्क रखा है। जैसे सोचिए, अगर कोई पुरोहित है वो मंडली से शादी करते हैं, मंडली से विवाह होता है, उसका मंडली के साथ विवाह हो जाता है, वो मंडली के काम के लिए व्यस्त हो जाते हैं। अगर कोई प्रचारक या पास्टर है वो प्रभु के वचन को फैलाने के लिए प्रभु के साथ वो विवाह कर लेते हैं, प्रभु की वचन की अगुवाई करने के लिए, प्रभु की नाम की अगुवाई करने के लिए वो प्रभु की मंडली से विवाह करते हैं। उसी तरह एक दूसरे को भी हम लोग बहुत सारे जन देखते हैं, घर में जितने जन रहते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं उनको हम लोग शादी दे देते हैं, विवाह दे देते हैं। ये विवाह एक पवित्र बंधन है, ये विवाह एक आशीष का बंधन है। इस विवाह के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है। मुझे भी परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर वरदान से भरा है और इसीलिए आज परमेश्वर के सामने में खड़े होकर मैं इतने अच्छे से आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया था कि प्रभु मेरे जो जीवन संगी हो वो एक तेरे मार्ग पर चलने वाली हो, जिसके द्वारा मैं जान सकूं कि परमेश्वर की वाणी किस तरह से प्रचार करना है। मेरे प्रचार के काम में कभी भी वादा स्वरूप कुछ ना हो प्रभु। और आप लोग विश्वास कीजिए, मेरे जो पत्नी है वो हर वक्त मुझे सहारा और दिलासा देते हैं, वो हर वक्त मुझे सहायता करता है प्रभु के वचन को फैलाने के लिए। मेरे बच्चे लोग परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए हर वक्त कोशिश करते हैं। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 21 से लेकर 24 तक, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी हड्डी मांस भर दिया। यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसकी आदम के पास ले आया और आदम ने कहा, वो मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में की मांस है, सो इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से ही निकला गया है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिल रहेगा और वो एक तन बन रहेंगे। कितने सुंदर वचन प्रभु पहले से कहा है कि ये वो एक तन बन जाएंगे, एक मन बन जाएंगे। मतलब विवाह के द्वारा एक पति पत्नी एक हो जाते हैं, विवाह के द्वारा एक पति पत्नी ईश्वर के एक मंडली बन जाते हैं, विवाह के द्वारा परमेश्वर की आशीष उन परिवार में रहते हैं। आज हमारे परिवार में अशांति क्यों है? आज हमारे परिवार में दुख क्यों है? आज हमारे परिवार में अशांति से हम लोग क्यों जूझते हैं? कारण हम लोग विवाह संपर्क को अच्छे तरह से नहीं पहचानते हैं। कारण हम लोग परमेश्वर के इस आशीष को अपने जीवन में अच्छे तरह से नहीं मानते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि आप जान सके परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह की कृपा और दया क्या है। विवाह संपर्क हमारे जीवन में एक आशीष का चिन्ह है। एक भाई साहब मेरे पास आए थे, वो मुझसे कहने लगे कि मैं ब्रदर विवाह करने वाला हूँ। मैंने कहा बहुत ही उत्तम है, चलो एक दिन तो खाने मिलेगा, अच्छा खाना ज़रूर तुम पकाना, हम लोग ज़रूर आएंगे। वो फिर मुझसे कहकर रोने लगी कि ब्रदर ये बात तो सही है कि खाना अच्छा दिया जाएगा, मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे बुरे समय था, बुरे वक्त था, बुरे घटना घट चुका है, मैं क्या करूँगा। मैंने कहा जो तुम्हारे होने वाले पत्नी है उससे बांट लो, शुरू करने से पहले समाधान कर लो, उसके पास जाकर बात करके ये सब बता दो कि तुम्हारे ज़िंदगी में ये सब हुआ है, कि उसे आगे से पता चले कि तब वो जब तुम्हारे संगी बनेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे जीवन में वो आशीष का चिन्ह बन जाए। उस भाई मेरे बात सुनते हुए उसके पत्नी से एक दिन मिला, होने वाले उस पत्नी से मिलते हुए सब कुछ बात करते हुए उससे सुझाव कर लिया। उसकी पत्नी ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो,
मगर अभी जानता हूँ तुम मेरे होने वाले पति हो और परमेश्वर मेरे लिए तुम्हें चुना है, मतलब एक सही आदमी मेरे लिए चुना है जो अपनी गलतियों का माफ़ी मांग सकता है, जो अपने जीवन के गलती से सुधार सकता है। मैं तुम्हारे पुरातन जीवन को घाटना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पुरातन जीवन को देखना नहीं चाहता हूँ, मैं जानना नहीं चाहता हूँ तुम्हारे पुरातन जीवन में क्या हुआ है। मैं जानता हूँ परमेश्वर आज मेरे लिए तुम्हें चुना है, मैं जानता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह आज मेरे लिए तुम्हें रक्षा बनाया है। और उन लोगों की शादी बहुत ही अच्छे तरह से हुआ है, बहुत ही अच्छे तरह से वो लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। प्रभु उन लोगों को एक बच्चे भी दिया है, बहुत ही सुंदर बच्चे उन लोगों के जीवन में हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, विवाह संपर्क हमारे जीवन में एक आशीष का संपर्क है, विवाह संपर्क हमारे जीवन में एक चिन्ह है जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के मार्ग पर आ सकते हैं। अगर उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 17 से 18 देखेंगे, तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे की कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तूने मुझसे क्या किया है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है। फिरौन को पता नहीं था कि सारा उसकी पत्नी है, और जब फिरौन को पता चला तब ईश्वर उसके जीवन में बहुत सारे दुख को डाल दिया। एक पत्नी को बचाने के लिए ईश्वर रक्षा करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वो पति पत्नी एक होकर हर वक्त प्रार्थना करते थे, वो पति पत्नी एक होकर हर वक्त ईश्वर के नाम लेते थे, वो पति पत्नी एक होकर हर वक्त ईश्वर की महिमा करते थे। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ईश्वर की शक्ति आपके जीवन में तभी आएंगे जब आप पत्नी और पति बैठकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, पत्नी और पत्नी एक होकर जब आप ईश्वर की आराधना करेंगे। बाइबल कहता है कि जब वो लोग एक होंगे तब एक बन जाएंगे, जब वो लोग एक होकर विवाह वंदन में एक हो जाएंगे तब एक हो जाएंगे। मगर आज के समय में ये विवाह वंदन को बहुत सारे जन दूसरे मार्ग पर लेकर चले गए, गंदे मार्ग पर लेकर चले गए, हवस के कारण बन गया, बसना का कारण बन गया, अपने जीवन में पाप का कारण बन गया, इसीलिए परिवार में दुख कष्ट और अशांति है। मैं आप लोगों को इस वचन के द्वारा आज मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु चाहते हैं कि तू व्यभिचार ना करे, तू व्यभिचार ना करे, क्योंकि ये विवाह वंदन बहुत ही आशीषदायक है। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 20 पद संख्या 14 में उसने कहा, तू व्यभिचार मत कर, तू व्यभिचार में मत गिर जा। हमारे जीवन बहुत समय से हम लोग व्यभिचार में गिर जाते हैं, बहुत सारे जन हैं जो लोग विवाह संपर्कों को एक कृपामय दयामय संपर्क में नहीं रखता है। मैं आप लोगों से एक निगूढ़ बात कहना चाहता हूँ, एक गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूँ। अगर एक साथ बैठकर आप पति पत्नी प्रार्थना करेंगे ना, एक साथ बैठकर अगर प्रार्थना करेंगे ना, तो स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए, आशीष का चिन्ह उतर कर आएगा। हालेलुया। जैसे मदर मेरी को देखिए, जिसने माता मरियम को देखिए, जिसने अपने पति यूसुफ के बात सुनते हुए सब कुछ मानते हुए एक साथ मिलकर उन लोगों ने प्रार्थना किया, एक साथ मिलकर उन लोगों ने आराधना किया, एक साथ मिलकर उन लोगों ने स्तुति किया, एक साथ मिलकर उन लोगों ने प्रार्थना किया, और परमेश्वर यीशु मसीह उन लोगों के बीच में आए। एक नाजरित परिवार बदल गए थे, एक नाजरित परिवार में वो लोग बदल गए थे जिसमें एक अनोखा प्यार था। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे जन बोलते हैं, एक भाई साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे घर में मेरे 7 साल से 8 साल हो चुके हैं, मेरे शादी हो चुके हैं, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि तुमने अपने विवाह संपर्क को क्या आशीषमय रखा है, जाओ चर्च जाओ, पहले अपने माफ़ी मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो, अपने पत्नी के पास जाकर प्रार्थना करो, दोनों बैठकर प्रार्थना करो, माफ़ी मांगते हुए प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से कहो कि प्रभु मेरे गुनाह को माफ़ करो। मैं तुमको बार बार कहता हूँ, प्रभु कोई गुनाह को नहीं देखते हैं, प्रभु नहीं कहते हैं कि तुम कितने गुनहगार हो। वचन कहता है नबी इसाईस के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में उसने कहा, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठकर बातें करो, मुझसे बताओ, अगर तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं मैं उस पाप को क्षमा कर दूंगा, अगर तुम्हारे गुनहे बहुत बड़े हैं मैं उस गुनहे को क्षमा कर दूंगा, अगर तुम्हारे जीवन में पाप बहुत बड़े हैं उसे दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को एक नया शक्ति नए आशीष से भर दूंगा। मेरे ईश्वर आपके जीवन में उसकी दया को डालना चाहते हैं, मेरे ईश्वर आपके जीवन में उसकी प्रेम को डालना चाहते हैं, मेरे ईश्वर आपके जीवन में उसकी आशीष को डालना चाहते हैं। विवाह संपर्क वो आशीष का चिन्ह है जो परमेश्वर स्वर्ग से इस पृथ्वी पर लाया है।
पहला चिन्ह दुनिया पर ईश्वर ने दिया था, विवाह चिन्ह, जो आदम और हवा के शादी के माध्यम से हमारे जीवन में उतर कर आया है। मगर नोहा के समय में देखिए, वो शादी, उस विवाह को सब कोई ने व्यविचार में बदल दिया था। आज के मॉडर्न सोसाइटी में, आज के मॉडर्न युग में सभी को ये सबको एक व्यविचार में बदल देता है। बहुत सारे जन लिविंग टुगेदर नाम के व्यविचार में लिप्त हो जाते हैं। बहुत सारे जन एक साथ रहने का पाप कर लेते हैं। अभी बहुत सारे जन एक लड़के लड़के से शादी करते हैं, लड़की लड़की से शादी करके ये विवाह संपर्क को दूसरे बुरे संगत पर वो लोग डाल देते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन एक बुरे मार्ग पर जाए। आपके परिवार से शैतान सब समय खिलवाड़ करे, आपके परिवार में शैतान का काम होते रहे, ये कभी नहीं चाहते हैं यीशु मसीह। यीशु चाहते हैं कि आप लौट कर आए, यीशु चाहते हैं कि आपका संपर्क अच्छा रहे। वो कहते हैं कि निर्गमन के पुस्तक अध्याय 20 पद संख्या 17 में उसने कहा, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी दास दासी या बेल गायों का, ना किसी भी वस्तु का लालच करना। उसने कहा कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष किसी के ऊपर लालच मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें जो विवाह का संपर्क दिया है वो आशीष का चिन्ह है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो शादी का चिन्ह दिया है वो आशीष का चिन्ह है। आज के समय में प्रियजन हम लोग सबसे ज़्यादा भटक जाते हैं कि प्रभु का प्यार को नहीं समझते हैं, प्रभु के प्यार के शक्ति को हम लोग नहीं समझते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, परमेश्वर के प्यार के शक्ति को ज़रूर समझिए, परमेश्वर के आशीष के प्यार को ज़रूर समझिए। जब तक अपनी परमेश्वर की आशीष को आप नहीं समझेंगे, आप नहीं जान पाएंगे कि वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं। गिनतियों के पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 29 से 30 तक उसने कहा, जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरे तो वो अशुद्ध है, चाहे पुरुष का मन में जलन उत्पन्न हो और वो अपनी स्त्री पर जलने लगे तो वो उसकी यहोवा का सम्मुख खड़ी कर दे और जाजक उस पर यही सारी व्यवस्था पूरी करे। कितने सुंदर वो कह रहे हैं वचन में, वो जलन की उपस्थिति ना हो एक दूसरे। मैंने बहुत सारे परिवार में देखा है, पति पत्नी रहते हुए भी वो लोग एक दूसरे से बातें नहीं करता है, झगड़े होकर बैठा रहता है, झगड़ा करता है, परेशानी में गिरे रहते हैं। पत्नी अगर उत्तर में चल रहा तो पति दक्षिण में चलता है, पति नशा करके लौट रहा है तो भी पत्नी भी नशा करके लौटता है। मैंने बहुत सारे पत्नी को भी देखा है जो लोग नशे में डूबे हुए हैं, जो लोग मंद कामों में डूबे हुए हैं, मंद चीज़ों में डूबे हुए हैं, मंद रास्ते पर डूबे हुए हैं। आज के समय में इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में परमेश्वर के ये दया से निकल, इस दया को पाने के लिए इस बुरे आदत से निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, विवाह संपर्क एक आशीषमय संपर्क है। विवाह संपर्कों को वासना में मत बदल दीजिए। विवाह संपर्क मतलब परमेश्वर जब आदम और हवा को आशीष दिया था, कहा था जाओ और फूलो फलो फंदवंत रहो। आज भी परमेश्वर आपको फूलो फलो और फलवंत करना चाहते हैं। बहुत सारे जन के बच्चे नहीं रहते हैं, बहुत सारे जन गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं मगर वो लोग अपने पुरातन जीवन को नहीं देखते हैं। वो लोग नहीं सोचते हैं कि विवाह संपर्क सही से हुआ है कि नहीं, मंडली में विवाह संपर्क हुआ है कि नहीं, मंडली के आशीष उसके परिवार में आया है कि नहीं, मंडली के शक्ति उसके जीवन में आया है कि नहीं। एक परिवार को मैं जानता हूँ जो मेरे पास रहते थे, वो मुझसे प्रार्थना के समय में कहा कि ब्रदर, हम लोगों ने शादी किया है मगर हमारे जीवन में कोई भी उन्नति नहीं है। मैंने उन लोगों से कहा, क्या आप लोग मंडली में शादी किए हैं? बोला नहीं। मैंने बोला, पहला पाप आपके जीवन में हो चुका है कि आप मंडली के सामने में अपने आप को नहीं झुकाया है। आप मंडली में जाइए, अपनी शादी को मंडली में लाइए, परमेश्वर की कृपा शक्ति आपके जीवन में खेलता रहेगा। और वो लोग मेरे बात सुनते हुए मंडली में शादी किए हैं, पाप शिकार के द्वारा मंडली में जाके विवाह का संपर्क, विवाह का जो आशीष है उन लोग लिए हैं। उसके बाद से उस परिवार में बहुत बहुत सारे आशीष आना चालू हो चुका है। पहला आशीष आया था उस परिवार में, नौकरी प्रभु ने उन लोगों को दिया। दूसरे आशीष उस परिवार में एक बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं। तीसरे आशीष उस परिवार को उसने एक घर देकर दिलासा दिया। परमेश्वर दे सकता है जब आप आशीष का चिन्ह बनेंगे। आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो प्रियजन, व्यविचार मत कीजिए।
प्रभु के पास लौट कर आइए। आपके विवाह जीवन वो संपन्न करना चाहते हैं, आपके विवाह जीवन में वो आशीष देना चाहते हैं, आपके विवाह के जीवन में वो अपना शक्ति को लगना चाहते हैं। ये तभी संभव है जब हम आप और उसके पास आकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करके कहेंगे कि प्रभु मैं लौटना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे पास लौटना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे घर लौटना चाहता हूँ। प्रभु ने उसने वचन में कहा, भजन संगीता 128 पद संख्या 3 में कहा, तेरे घर की भीतर तेरी स्त्री फलवंत द्रक्षलता से होगी, तेरी भेज की चारी और तेरी बालक जलपाई की पौधे से होगी। भजन संगीता 128 पद संख्या 3 में उसने कहा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत द्रक्षलता से होगी और तेरी भेज पर और तेरी मेज की चारी और तेरे बालक जलपाई की पौधे से होगी, क्योंकि मैं आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ आशीषमय बनूंगा, मैं तुझे हर वक्त धन्य बनाऊंगा, मैं तेरे जीवन को हर वक्त चलाऊंगा, मैं तेरे जीवन को हर वक्त उठाऊंगा। उसने नीति वचन अध्याय 6 पद संख्या 29 में कहा है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसकी छूटेगा वो दंड से ना बच पाएगा। पराई स्त्री के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्त्री दिए हैं, परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए आपके पत्नी को आपको दिया गया है, आपके पति को आपको दिया गया है, जिसके साथ बैठकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने परिवार में प्रार्थना नहीं करते हैं। बहुत सुंदर मदर टेरेसा अपने वचनों में कहते थे कि जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं उस परिवार में यीशु मसीह बसते हैं, जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं वो परिवार में यीशु मसीह बैठते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो परिवार एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु की शक्ति उस परिवार में रहता है। आज आप परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और हम परमेश्वर के पास लौट कर आए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 5 और 6 में उसने कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे, सो वो अब दो नहीं परंतु एक तन होंगे। इज़राइल जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है कोई मनुष्य अलग ना करे। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विवाह संपर्क ईश्वर ने जोड़ा है। आप अगर शादीशुदा है मतलब ईश्वर ने आपको आपका पत्नी दिया है। आपको लगता है कि आपके पत्नी खूबसूरत नहीं है, मगर याद रखिए ईश्वर ने उसे खूबसूरत बनाकर भेजा है। आपको लगता है आपका पति आपका योग्य नहीं है, मगर विश्वास कीजिए ईश्वर उसे योग्य करके भेजा है। आपके लिए वो योग्य है, उसके लिए आप योग्य है। अगर उसके बीच में अगर परमेश्वर को राग रख देंगे, वो चुंबक का आकर्षण आपके बीच से कोई चोरी कर नहीं पाएगा। मैं आज आप लोगों को दिलासा देना चाहता हूं प्रभु यीशु के वचन के द्वारा, परमेश्वर यीशु मसीह के इस वचन के शक्ति के द्वारा मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन के ऊपर ताकत लगाइए, प्रभु के वचन, क्योंकि विवाह संपर्क हमारे जीवन में सबसे आशीषमय संपर्क है। विवाह संपर्क हमारे जीवन में सबसे शक्ति सहायक और सबसे शक्तिदायक जीवन है। जब विवाह संपर्क हम लोग अपनाते हैं, प्रभु से कहते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में उसकी आशीष को भर देते हैं। उसने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 29 में उसने कहा, और जिस किसी ने घर या भाइयों की बहनों की या पिता या माता की लड़के बालों या खेतों की मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको सभी दुगना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अपने विवाह संपर्कों को अच्छे बनाइए। बहुत सारे वचन में उसने कहा, जो पढ़ने जाएंगे बहुत समय लग जाएगा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 27, जिस दिन एक तू जहाज पर ना चढ़ा उसने इस तरह से कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे शादी को आशीष दूंगा, तेरे जीवन को आशीष दूंगा। योन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 10 और 11 में भी यीशु ने कहा, हे नारी वो कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, है प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप ना करना। उस व्यभिचारी नारी को भी यीशु ने छोड़ दिया था, यीशु ने उसके गुनाह को माफ कर दिया था, यीशु ने उसे छुटकारा दिया था, क्योंकि यीशु चाहते थे कि वो अपने गुनाह से निकलकर ईश्वर की आशीष के शक्ति को महसूस कर सके।
मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यीशु ये कहना चाहते हैं, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार कि अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारा बीच में से निकला जाता है, परंतु घमंड करता है। मैं आप लोगों से कहता हूँ, बहुत सारे गुनाह हैं जो विवाह संपर्क को नष्ट करता है। अगर बाइबल में देखा जाए, सबसे आशीषमय चिन्ह परमेश्वर ने दिया है विवाह संपर्क को, सबसे आशीषमय चिन्ह परमेश्वर ने बनाया है विवाह संपर्क को। अगर आज आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर कहेंगे कि प्रभु मैं और मेरे पत्नी, मैं और मेरे पति, मेरे परिवार तुम्हारा सेवा करूंगा, तुम्हारे सेवा के लिए मैं बैठूंगा, तुम्हारे नाम के लिए मैं बैठूंगा, तुम्हारे प्रशंसा के लिए मैं बैठूंगा, तब परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन को भर देंगे, तब परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में उस आशीष को भर देंगे, तब परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ में आकर आपके विवाह को और भी आशीषमय कर देंगे। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछाना निष्कल्प रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रियोगामियों का न्याय करेगा। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। अंतिम वचन इस खत्म करने से पहले परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं, हिब्रियों के पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 4 में वो कहना चाहते हैं कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछड़ना निष्कल्प रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर कीजिए। पहला पत्रस अध्याय 3 पद संख्या 7 में उसने बहुत ही सुंदर कहा है, वैसे ही है पतिया, तुम भी बुद्धिमानों से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री की निर्बल पात्र जानकर उसकी आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के बारिश है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं, पहला पत्रस अध्याय 3 पद संख्या 7 में वो कह रहे हैं कि ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के आशीष है, हम दोनों जीवन के वरदान के आशीष है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। पति पत्नी के प्रार्थनाएं रुकना ना चाहिए। प्रभु की आराधना होना बहुत जरूरी है, प्रभु की स्तुति होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में उसकी आराधना, उसकी आशीष रहे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने जन मेरे टीवी के सामने में बैठे हुए प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, इसलिए कि उसने उस बड़ी आशीष को लाया है, इसलिए क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। आइए आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये आशीष से हमें भरो। जितने भी आप लोग पति पत्नी टीवी देख रहे हैं या अकेले बैठकर देख रहे हैं, अपने पति के नाम या पत्नी के नाम इस समय याद कीजिए। इस समय अगर एक होकर देख रहे हैं तो एक दूसरे के हाथों को पकड़ लीजिए। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, मैं तेरे दास होते हुए हर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर परिवार को तू नाजरेत परिवार में बदल दे, हर परिवार में तेरे यीशु मसीह के ताकत को डाल दे, हर परिवार में तेरे यीशु मसीह के चमत्कार को डाल दे, हर परिवार तेरे यीशु मसीह को शक्ति को अनुभव कर सके। प्रभु इस वक्त उससे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, तेरे परम चंगाई इन लोगों के जीवन में फैलता रहे, तेरे आशीष इन लोगों के जीवन में बहता रहे, और इस समय प्रभु हर एक परिवार एक पवित्र परिवार बन जाए। विवाह संपर्क को तू आशीष दे, और जो लोग विवाह करने के लिए तैयार हो रहे हैं उन लोगों को भी तेरे जीवन से तू चला। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर, आमीन। सभी को जय यीशु। हमारे नीचे स्क्रीन में दिए हुए नंबर, फ़ोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस सभी कुछ दिया हुआ है, आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी भेज सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, 24 घंटा हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु की वाणी प्रचार के लिए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी सहायता आप लोग चाहते हैं, प्रभु के नाम से हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करें कि हम लोग आप लोगों के साथ जुड़ पाएँ। विशेष रूप से इस प्रार्थना भवन टीवी को और भी सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को बताइए कि ये चैनल दूसरे के माध्यम से भी प्रभु की नाम की अगुवाई हो सके। सभी को जय यीशु।